हर साल 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया जाता है। ये दिन दुनिया भर के एथलीटों के लिए महत्वपूर्ण होता है। इस दिन देश का नाम विश्व स्तर पर ऊंचा करने वाले देश के एथलीटों को याद किया जाता है। तो वहीं आज विश्व के एथलीटों को छोड़कर याद करते हैं देश के एथलीट्स को कि आज वे कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं और कैसा उनके साथ सलूक किया जा रहा है। दरअसल जंतर मंतर पर पहलवान 23 अप्रैल से कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। पहलवान 23 अप्रैल से धरना दे रहे हैं। इससे पहले 18 जनवरी को पहलवानों ने ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया था। तब पहलवानों ने ब्रजभूषण शरण सिंह और कोच पर महिला पहलवानों का यौन उत्पीड़न, अभद्रता, क्षेत्रवाद जैसे गंभीर आरोप लगाए थे। हालांकि खेल मंत्रालय के दखल के बाद पहलवानों ने अपना धरना खत्म कर दिया था। तब खेल मंत्रालय ने पहलवानों द्वारा लगाए जा रहे आरोपों की जांच के लिए कमेटी का गठन किया था। अब 3 महीने बाद पहलवान फिर धरना दे रहे हैं। पहलवानों ने अब कमेटी पर ही सवाल खड़े किए हैं। पर बुधवार को जंतर मंतर पर जारी पहलवानों के धरने में रात जमकर बवाल हुआ। बताया जा रहा है कि धरना दे रहे पहलवानों और कुछ पुलिस कर्मियों के बीच कथित तौर पर हाथापाई भी हुई। इतना ही नहीं, पहलवानों ने पुलिस कर्मियों पर मारपीट का आरोप भी लगाया है। इस हाथापाई में कुछ प्रदर्शनकारियों के सिर में चोटें भी आई है। बुधवार रात को हुई घटना के बाद अब विनेश फोगाट ने ऐलान किया है कि पहलवान राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जीते हुए सभी मेडल लौट आएंगे। बताया जा रहा है कि रात 11 बजे जंतर मंतर पर यह हाथापाई हुई थी। इसके पीछे मुख्य वजह फोल्डिंग बेड थी। इस पूरे मामले पर विनेश फोगाट ने कहा कि पुलिस कर्मियों ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया और उनके साथ धक्का मुक्की भी की है। इस दौरान महिला पुलिस कर्मी भी वहां मौजूद नहीं थी। पुनिया की पत्नी संगीता फोगाट ने दावा किया कि पुलिस कर्मियों ने उनके साथ धक्का मुक्की की है। इसी दिन देखने के लिए मेडल लेके आना, तो मैं चाहूंगी कि देश का कोई खिलाड़ी मेडल ही ना लेके आए कभी। एक हमारा भाई उठा ले गया था, उसको पता ही नहीं वो कहाँ है कैसा है। इतनी दुर्दशा करेगी हमारे यहाँ पे। एक और वो एसपी कौन था जो आज दिखा के धमकी दे रहा था कि मैं देख लूंगा तुमको। हर पुरुष को अधिकार है क्या गाली देने का या लड़कियों के साथ बदतमीजी करने का? आप ही बताओ ना, हम क्या करें? क्या मतलब क्या सम्मान रह गया है क्या देश में? महिलाएं खत्म कर दो या तो इस देश को जरूरत नहीं हो तो। रोटी भी नहीं खाई अभी तक किसी ने। कमिश्नर के इतनी अक्कल नहीं है क्या? अगर लड़कियां यहाँ धरने पे बैठी हुई तो यहाँ महिला पुलिस की 24 घंटे ड्यूटी होनी चाहिए। मैं सभी देशवासियों से पूछना चाहता हूँ, अगर अगर हमारी बहन बेटी सुरक्षित नहीं है तो इस देश में कौन सुरक्षित है? देश के सांसद से महज कुछ ही दूरी पर प्रदर्शन कर रहे भारतीय पहलवान और उनका समर्थन कर रहे सैकड़ों महिला, बुजुर्ग और नौजवान न्याय की आस में बीते 9 दिनों से जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं। चिलचिलाती धूप, गर्मी और बारिश का सामना कर रहे हैं। इंटरनेशनल मेडल विजेता खिलाड़ी अब तक सत्ता पर काबिज शीर्ष लोगों को नींद से उठाने में नाकामयाब साबित हो रहे हैं। या यूं कहिए कि जानते बूझते ये खिलाड़ी, ये एथलीट देश के शीर्ष नेतृत्व की अनदेखी का शिकार बने हुए हैं। कभी इनकी लाइट काट दी जाती है तो कभी पानी बंद कर दिया जाता है। इतना ही नहीं, इन खिलाड़ियों ने तो कई तरह की धमकी के भी संगीन आरोप लगाए हैं। सबसे पहले जानते हैं कि एथलीट्स और यही पहलवान, देश के ये पहलवान धरने पर क्यों बैठे हुए हैं। तो ये थी आज देश के एथलीट्स की तस्वीरें, जो कि इस विश्व एथलेटिक्स दिवस 2023 पर शर्मसार करने वाली है। जहां इस दिन पर एथलीट्स का सत्कार किया जाना चाहिए था, पर इसकी बजाय उन्हें इस तरह की यातनाएं मिल रही है। इनकी मांग ये है कि पहलवान ब्रजभूषण सिंह के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। इतना ही नहीं, पहलवानों ने ब्रजभूषण के खिलाफ यौन उत्पीड़न का मामला भी दर्ज कराया है। पहलवान उनकी गिरफ्तारी की लगातार मांग कर रहे हैं। रेसलर्स का कहना है कि जब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी, वे धरने से नहीं उठेंगे। देश को अनेक पदक जिता कर नाम ऊंचा करने वाले इन एथलीट्स की इस साल विश्व एथलेटिक्स दिवस 2023 पर इस मांग को ही पूरा कर दिया जाए तो ये उनके इस खास दिन पर उनके लिए देश की तरफ से उपहार साबित होगी। अब देखना ये होगा कि इस पूरे मामले पर आखिरकार एथलीटों को, देश को स्वर्ण पदक और अन्य तरह के नाम रोशन करने वाले इन एथलीट्स को न्याय कब मिलेगा और कब ये विवाद थमेगा।